ब्यूटीफुल वर्ल्ड की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। आज हम जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस मुल्क का एक वक्त में दुनिया के 88% रकबे पर राज था। इस मुल्क के लोग चाय पीने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इस मुल्क की तो बात ही निराली है, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जानवरों से भी कोई गलती हो जाती तो उन्हें भी सजा दी जाती थी। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे फेमस मुल्क इंग्लैंड की। इंग्लैंड को ये एजाज़ भी जाता है कि रकबे के लिहाज से छोटा सा मुल्क होने के बावजूद इसने दुनिया पर 200 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। बरतानिया का दारुलहुकूमत लंदन आज भी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, जहां पर एक ही शहर में 300 से ज़्यादा जुबानें बोली जाती हैं। इंग्लैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। जिस जगह आज इंग्लैंड आबाद है, यहां सबसे पुराने इंसानी ज़िंदगी के आसार 7,80,000 साल पुराने मिले हैं। ये एक आदमी के जिस्म के कुछ बाकियात हैं जिन्हें माहरीन आसार कदीमा ने होमो एंटीसेसर का नाम। आइस एज के दौर में ये सारा इलाका बर्फ़ में ढका रहा, और आज से 11,000 साल पहले जब यहाँ से बर्फ़ पिघलने लगी तो इंसान यहाँ दोबारा आबाद होना शुरू। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के नाम से जाना जाता है, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड के जजीरे और बहुत से छोटे जजीरे शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि बरतानिया की सिर्फ एक ज़मीनी सरहद है और वो आयरलैंड के जजीरे पर है। 1994 से इंग्लिश चैनल टनल बरतानिया को फ्रांस से जोड़ती है। ये एक अंडर सी टनल है जिसके ज़रिए बरतानिया और फ्रांस को जोड़ा गया है। बरतानिया की समुद्री सरहदें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और जजायर फेयर डेनमार्क से मिलती हैं। बरतानिया का कुल रकबा 2,42,495 मुरबा किलोमीटर है, 93,628 मुरबा मील है। आबादी 2020 के तखमीने के मुताबिक 67 मिलियन से ज़्यादा है। दारुलहुकूमत और सबसे बड़ा शहर लंदन है। सरकारी ज़ुबान इंग्लिश डी फैक्टो है। इलाकाई ज़ुबानों में स्कॉट्स, एल्स्टर स्कॉट्स, वैलिश, कॉर्निश, स्कॉटिश, गायलिक, आयरिश और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज शामिल हैं। नस्ली ग्रोहों में 87.1% सफ़ेद हैं, 7% एशियाई हैं, 3% स्याह हैं, 2% मखलूत और 9% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। 2021 के एक अंदाजे के मुताबिक 46.2% लोगों का मजहब ईसाइत है, 37% का कोई मज़हब नहीं है, 6.5% मुसलमान, 1.7% हिंदू, 2.5% दीगर मजाहब के लोग आबाद हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मनॉर्की है। बादशाह चार्ल्स स्वयं हैं, जो कि 8 सितंबर 2022 में किंग चार्ल्स अपनी वालदा मलका एलिजाबेथ दोयम की वफात के बाद तख्त पर बैठे। वज़ीर आज़म ऋषि सनक हैं। करंसी पाउंड स्टर्लिंग है। 1 पाउंड स्टर्लिंग पाकिस्तानी रुपयों में 284 रुपये बनते हैं। 2022 के एस्टीमेट के मुताबिक GDP 3.198 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 6ठे नंबर पर है, यानी ये दुनिया का 6ठा अमीर तरीन मुल्क है। पर कैपिटा इनकम 47,318 डॉलर है, जो दुनिया में 22वें नंबर पर शुमार की जाती है और जो पाकिस्तानी रुपयों में 1,34,43,187 रुपये बनते हैं। ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर की जाती है, कॉलिंग कोड +44 है। इंग्लिस्तान के पहले बादशाह ने एक कानून बनाया कि रात 8 बजे तक सबको बिस्तर पर होना ज़रूरी है। फ्रांसीसी 300 साल तक बरतानिया की कौमी ज़ुबान रही थी।
برطانیہ چائے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ برطانیہ میں روزانہ 165 ملین کپ چائے پی جاتی ہے۔ فٹ بال، رگبی، گولف، باکسنگ اور کرکٹ سب کے ایجاد برطانیہ میں ہوئے۔ ونڈسر پیلس دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا قلعہ ہے۔ برطانیہ میں سب سے پرانا گھر جو تقریباً 6000 سال پرانا ہے اور آج بھی قابل رہائش ہے۔ کینیڈین برطانیہ میں رہ سکتے ہیں کینیڈین یو کے ورکنگ ہالیڈے ویزا کے ساتھ 2 سال تک برطانیہ میں رہ سکتے ہیں۔ سٹون ہینج اہرام مصر سے پرانا ہے۔ ہم اکثر گیزا کے اہرام مصر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے، لیکن برطانیہ میں اس سے بھی پرانی تعمیرات ہیں۔ انگلینڈ کے جنوب مغرب میں واقع اور مشہور سیاحتی مقام سٹون ہینج کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ اہرام مصر سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ شاہی جائیدادیں ریکارڈ توڑ ہیں۔ جنوب مشرقی انگلینڈ میں واقع ونڈسر کیسل تقریباً 1000 سال پرانا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مقبوضہ قلعہ ہے۔ بادشاہ کی برطانیہ بھر میں کل 7 رہائش گاہیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور لندن کے وسط میں بکنگھم پیلس ہے۔ بادشاہ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اکثر سرکاری ڈیوٹی پر بیرون ملک کنگ چارلز سوئم سفر کرتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی پاسپورٹ بادشاہ کے نام پر جاری کیے جاتے ہیں۔ پاؤنڈ دنیا کی سب سے پرانی کرنسی ہے جو اب بھی استعمال میں ہے، جس نے متاثر کن 1200 سال مکمل کیے ہیں۔ برطانیہ میں آپ کی توقع سے زیادہ شہر ہیں۔ اگرچہ برطانیہ ایک بہت بڑا ملک نہیں ہے، لیکن اس کے بہت سارے شہر ہیں۔ 69 سرکاری شہر ہیں، جن میں 51 انگلینڈ میں، 7 اسکاٹلینڈ میں، 6 ویلز میں اور 5 شمالی آئرلینڈ میں واقع ہیں۔ لندن سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 9 ملین ہے، جبکہ سب سے چھوٹا شہر ویلز میں سینٹ ڈیوڈز ہے، جس میں تقریباً 1850 لوگ رہتے ہیں۔ انگلینڈ کو ساری دنیا میں اپنی زبردست اور تاریخی یونیورسٹیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات قابل حیرت ہوگی کہ انگلینڈ میں موجود آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، جو 1096 میں وجود میں آ چکی تھی، اور برطانیہ کے 28 پرائم منسٹر یہاں سے تعلیم یافتہ ہیں۔ اور میرٹ کے لحاظ سے ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ کا 5واں نمبر آتا ہے۔ سوان کو شاہی پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں کہیں پر بھی اسے مارنا قانوناً جرم ہے۔ ایسا کرنے پر آپ کو 5000 پاؤنڈ تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور 6 ماہ کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک لندن میں ہے۔ کنگز کراس لندن میں وسیع و عریض برٹش لائبریری کے کیٹلاگ میں 170 ملین سے زیادہ اشیاء موجود ہیں۔ اگر آپ اس کے تمام شیلفز کو سرے سے آخر تک بچھائیں تو یہ 740 کلومیٹر لمبا ہوگا، اور یہ لندن سے ایبرڈین تک پھیل سکتا ہے۔ لائبریری میں لاکھوں کتابیں، ڈاک ٹکٹ، مخطوطات، اخبارات اور ڈیجیٹل اشیاء موجود ہیں۔ لندن کا سب وے دنیا کا سب سے پرانا سب وے ہے۔ دنیا کے 56 ممالک میں 180 سب وے سسٹم ہیں، لیکن لندن کا مشہور ٹیوب دنیا میں سب سے پرانا ہے۔ برطانوی حکومت کی
जानिब से फॉरिंगटन स्ट्रीट और बिशप रोड और पेडिंगटन के दरमियान ज़ेर ज़मीन रेलवे की तामीर की मंजूरी के बाद 1860 में काम शुरू हुआ और 10 जनवरी 1863 में बाज़ाब्ता तौर पर लाइन खोल दी गई। आज लंदन अंडरग्राउंड 11 मुख्तलिफ लाइनों पर मुश्तमिल है जो हर रोज़ पूरे शहर में 5 मिलियन मुसाफरों को सफ़र की सहूलत फराहम करता है। साहिर लुधियानवी की एक नज़्म मादाम आपकी समातों की नज़र है। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, मेरे अहबाब ने तहजीब ना सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान ना रहते होंगे। नूरे सरमाया से है रूए तमद्दन की जला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती। मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें ज़िस्त के अद्वार परखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताज़ीम के मायार परखने होंगे। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम छीले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है, लेकिन इन तल्ख मवाइस से भला क्या हासिल। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब ना सीखी होगी, मैं जहां हूं वहां इंसान ना रहते होंगे। देखने वाले नए लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें। मज़ीद बेहतरी और रहनुमाई के लिए कमेंट के ज़रिए अपनी राय हमें भेजा करें। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। हम्द उस खुदा के लिए है जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों की फना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है जो इसे याद करे उसे भूलता नहीं, जो शुक्र करे उसे कमी आने नहीं देता, पुकारने वालों को मायूस नहीं करता और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद मुनक़ता नहीं करता। ऐ अल्लाह पाक, रोज़े क़यामत जब अहले इताअत पर तेरी इनायात हों तो मुझे भी हिस्सा दे कि तू साहिबे इक्तदार है और हिकमत वाला है। आमीन।